पाकिस्तान के तमाम लोगों से कहता हूँ, अवाम से कहता हूँ, इस मौके पर अगर जमात इस्लामी जो जिद्दोजहद कर रही है अवाम के लिए, पाकिस्तान की अवाम अगर साथ देंगे तो इंशाल्लाह आइंदा आपके हालात बेहतर होंगे, वरना ये मार देंगे, खत्म कर देंगे, कुछ नहीं बचेगा आपके पास। आप बिजली के बिलों को देखें और इस जालिमाना निजाम को देखें कि जो हमारे साथ सलूक हो रहा है, और ये मजीद बढ़ाएंगे, हमारी पार्टी का कोई मफाद नहीं है। सीधी बात यह है कि टैरिफ में कमी होनी चाहिए। ये इस तरह के ऐलानात के 200 यूनिट वाले को प्रोटेक्टेड सारिफ कह के 3 महीने के लिए, 3 महीने कोई चीज नहीं होती। एक तो ये स्लैब सिस्टम में जो ज्यादती और जुल्म है इसको खत्म होना चाहिए। कमर्शियल और रेजिडेंशियल का एक पर यूनिट तय होना चाहिए। हम पूरा चार्टर ऑफ डिमांड बना रहे हैं। बिजली की कीमतों में स्ट्रेट अवे कमी करो और ये टैक्सेस जो लाद दिए गए उनको खत्म किया जाए। सारे लोगों की तैयारी मुकम्मल है, इंशाल्लाह मैदान सजेगा। हुकूमत का तो सिर्फ काम यह है कि वो जमहूरी आजादी फराहम करे, वो रोक टोक ना करे। हमें तो जाना है, पहुंचना है इंशाल्लाह, और रिलीफ लेकर आना है। अगर तो हुकूमत ये समझती है कि धरना नहीं होना चाहिए तो आवाम को रिलीफ दे।